गुरुदेव, यौवन का सदुपयोग कैसे होता है? सेवा में, ज्ञान हासिल करने में। सेवा का अर्थ यही है, सईवा, जैसे वह है, जैसे वही हो, वह हो, मतलब जैसे मालिक हो, ऐसे एक अर्थ कर सकते। जैसे यदि इस जगह का मालिक कोई काम करता है, कैसे करेगा, कैसे करेगा, किसी और का समझ के करेगा? पूरी जिम्मेदारी से अपना पूरा ध्यान लगन लगा के करेगा। और सेवा का दूसरा अर्थ ये है, जैसे इस तरह से जो काम करते हो वो सेवा। आपके घर में कोई पूज्य अतिथि आ गए, उनको आप थाली में खाना परोस के ले आते हो, कैसे ले आते हो? और कोई भिखारी आता है दरवाजे पर, उसको कैसे खाना देते हो? इन दोनों में, भाव में, कृत्य में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है कि नहीं? तो एक जगह जब तुम भोजन परोस के लाते हो, पूरे भाव से, श्रद्धा से, पूरे ध्यान से लाके दे, टॉफी के इस तरह से देते हो, दिखा रहे हो तो हाँ लो जाओ, पता भी नहीं चला आप क्या दे रहे हो, वो सेवा नहीं की। आदर से जो किया जाता है वह सेवा है। तो सामने वाला जैसे वही है, वही हो, ऐसा समझ के हम करें, सही वह उसके जैसे करें, या वही है समझ के करें, वह सेवा। दक्षिण में कई जगह, इधर भी पंजाब में भी कई जगह है, वो कहते हैं कि कोई मेहमान आए, उनको तो भगवान प्रसाद, भगवान क्या परोसूं, भगवान क्या दूं, भगवान पानी लीजिए, भगवान प्रसाद पाइए, जो तो सेवादार होते हैं वो भगवान भगवान करके संबोधन करते हैं। ये रिवाज ही दिखाता है कि कोई आए उनको भगवान मान के उस तरह से उनकी खदर करो, वो सेवा हो जाती, उसी को सेवा करते ना, जैसे तुम खदर करते हो, तुम्हारी एटीट्यूड माने भाव।